अस्सलामुअलैकुम, मैं इंजीनियर उमर जेमकॉन इंजीनियर तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक स्टील ऑफ स्लैब, लेंटर का सरिया किस तरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने ड्राइंग में देखना है कि आपका सरिया है कौन सा, ग्रेड 60 का है या ग्रेड 40 का है। जब आपने ड्राइंग में ये देख लिया कि ग्रेड 40 का स्टील है, तो फिर आपने सेकंड चीज़ चेक करनी है कि उसका साइज़ क्या है और कितनी स्पेसिंग रखनी है। ये अभी हम एक स्पैन में खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पॉजिटिव स्टील क्या होता है। पॉजिटिव स्टील, ये जो नीचेली आपकी दो बार्स होती हैं, इनको पॉजिटिव स्टील बोलते हैं। ये जो आप बार देख रहे हैं, ये आपकी मेन बार है और ये चार सूत्र की ड्राइंग में है, तो इन्होंने चार सूत्र की डाली है। और ये जो इसके ऊपर बार है, ये तीन सूत्र की है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इस पे वज़न जो है कम आएगा, इस पे ज़्यादा आएगा, टेंशन में आएगा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव स्टील बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रिजिस्ट करती है, रोकती है। अब जो है नेगेटिव स्टील, ये जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो केज है, ये नेगेटिव स्टील है। इसके ऊपर ये एजेस में होता है, किनारों में डालते हैं, और इसकी भी इसी तरह आपने स्पेसिंग चेक करनी है और स्टील चेक करना है, चार सूत्र का, तीन सूत्र का। तो ये हम L/4 से डालते हैं, इनसाइड L/3 से कंटिन्यू करते हैं। इसका डालने का मकसद ये होता है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करती है, और जो आपका स्टील होता है, इसको हम कट इसलिए करते हैं नेगेटिव स्टील को, ताकि आपकी एक तो स्टील की कॉस्ट सेव हो सके, और सेकंड आपका डेड लोड जो है स्लैब का, लेंटर का, वो कम हो जाए, इसलिए हम इसको काटते हैं। और आखिर में आपने इनकी स्पेसिंग चेक करनी है कि क्या स्पेसिंग ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं। तो लेट्स सपोज ये देखें, ये आपकी स्पेसिंग ड्राइंग में इनसाइड लिखी है 6 इंच, तो ये 6 इंच स्पेसिंग आ रही है। इसी तरीके से आपने सबकी स्पेसिंग चेक करनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है हमारी संकन स्लैब आ रही है। संकन स्लैब वो वहाँ पे आती है जहाँ पे आपका बाथरूम या किचन हो। लेट्स सपोज ये हमारा बाथरूम है, तो इसकी स्लैब हमने 6 इंच डाउन रखी है, ताकि आपकी सीवरेज की फिटिंग जो है वो होने के बाद इसका लेवल और ये जो आपकी ग्राउंड की स्लैब है लेंटर, इसका लेवल बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको किचन की या बाथरूम की जो स्लैब, इसको डाउन नहीं रखेंगे, तो बाद में आपको इसके बाद फिर एक स्लैब बनानी पड़ेगी, जिसको थड़ा बोलते हैं। तो उसे बेहतर है कि आप पहले से शटरिंग इसकी 6 इंच डाउन रखें, और इसका स्टील भी आप उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह ये मेन स्पैन का स्टील चल रहा है। इसके बाद आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर बीम आ रहे हैं आपकी स्लैब में, आपके कंसील्ड कहाँ पे आ रहा है, स्टेयर के पास एक बीम आ रहा होता है, वो देखना है। आपने कार पोर्च के बीम चेक करने हैं, तो बीम से रिलेटेड हमारी पूरी एक वीडियो है अलग से, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बीम का स्टील किस तरह चेक करते हैं। और लास्ट में जो है वो आपने इसका जो है क्लियर कवर स्पेसर, वो डालना है शटरिंग और स्टील के मिड में, 0.5 इंच का आमतौर पर कवर होता है, ताकि इनका आपस में ज्वाइंट ना बने। तो ये थी आज की वीडियो हमारी अबाउट हाउ टू चेक स्टील। तो जेमकॉन इंजीनियरिंग की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अप टिल एंड नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।